Hello students, in this video we are going to solve exercise 3.3. इस exercise को हम solve करेंगे 3.3 को, जो chapter 3 का है. देखिए इसमें दिया गया है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम. चलिए देखिए ऐसे ही. When 1947 is subtracted from 1947, the result will be. यहां पे जो देखिए संख्या दी गई है, सेम वही संख्या यहां पे दी गई है. इसमें कह रहा है 1947 से अगर हम 1947 को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा. तो सेम संख्या में से जब वही संख्या माइनस करते हैं तो हमको जीरो मिलेगा. मीन्स उसी संख्या से जब उस संख्या को हम माइनस कर लेंगे तो हमको क्या जीरो प्राप्त होगा. बी है, व्हेन जीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1000 द रिजल्ट विल बी. अगर जीरो को हम 1000 से सब्ट्रैक्ट कर दें, 1000 से माइनस कर दें तो हमको क्या प्राप्त होगा. इसमें जो है अगर जीरो को हम निकालेंगे थाउजेंड में से तो वही संख्या जो दी गई है थाउजेंड वही बचेगा. इफ द डिफरेंस ऑफ जो संख्या दी गई है 2180 एंड 1967 इज 213, द सम ऑफ 1967 एंड 213 विल बी. यहाँ कह रहा है डिफरेंस मीन्स अंतर जो होता है, मीन्स सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करने जो प्राप्त होता है उसे हम डिफरेंस बोलते हैं. तो कह रहा है अगर डिफरेंस जो डिफरेंस है क्या है 213 का है. किसका डिफरेंस है 2180 और 1967 का. अगर हम 2180 को ये यहाँ पे लिख के हम दिखाते हैं आपको सब्ट्रैक्ट करके. टू थाउजेंड वन हंड्रेड एट्टी अगर इसमें से हम इसको सबट्रैक्ट करते हैं 1967, इसको कह रहा है अगर हम सबट्रैक्ट करेंगे तो हमको 213 प्राप्त होता है. यहाँ पे जो दिया गया है इन तीन संख्याओं का जो सबट्रैक्शन है यानी डिफरेंस जो है वो 213 है. तो कहा जा रहा है द सम ऑफ 1967 एंड 213 में इसका यहाँ पे जो संख्या और ये जो संख्या है इन संख्याओं को कह रहा है कि अगर हम ऐड करें तो कितना होगा. यहाँ पे जो संख्या दी गई है, पहले तो आपको बताया गया कि जो दो संख्याएं हैं उनका डिफरेंस 213 है जो कि यहाँ पे हम लिखे हैं इस तरह से. इनको अगर हम सेपरेट करते हैं 213 प्राप्त होगा. अब कहा जा रहा है ये जो संख्या है और ये जो 213 है अगर इसको ऐड कर दें इन दोनों को तो क्या प्राप्त होगा. तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये ऊपर वाली जो संख्या है वही प्राप्त होती है. तो ये आपका ऑप्शन वन में है. ये नेक्स्ट देखिए, व्हेन माइनेंट इज इक्वल टू द डिफरेंस द सब्ट्रैक्शन विल बी. अब इसमें कह रहा है कि अगर
माइन्यूट इक्वल टू द डिफरेंस, डिफरेंस के बराबर हो, द सबट्रेंड विल बी, तो सबट्रेंड जो है क्या होगा, तो जब माइन्यूट और सबट्रेंड और डिफरेंस जो है बराबर होगा तो सबट्रेंड जीरो हो जाएगा, क्योंकि माइन्यूट और डिफरेंस जब बराबर हो जाएंगे तो सबट्रेंड जो है जीरो हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन बी जो दिया गया है ये करेक्ट है। सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे जो स्थान दिया गया है उसको फिल करना है। ए में देखिए 4096 माइनस जीरो किया गया है, माइनस जीरो जब हम करेंगे तो सेम यही संख्या आपको प्राप्त होगी, जीरो मीन्स कुछ भी नहीं, यानी कोई संख्या नहीं हम माइनस कर रहे हैं, जीरो माइनस कर रहे हैं, यानी वही संख्या प्राप्त होगी जो यहाँ पे दी गई है 4096। बी देखिए 1096 और 1096 दोनों प्लेस पे एक ही संख्या है, सेम संख्या यहाँ पे रखी गई है 1096 तो 1096 से जब 1096 हम माइनस कर देंगे तो जीरो बचेगा, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ऐसे ही सी देखिए, यहाँ पे आपको पहले दे दिया गया है ब्लैंक्स और फिर माइनस जीरो, यानी कौन सी संख्या हम यहाँ पे लिखें कि माइनस जीरो करने के बाद 1986 प्राप्त हो, कौन सी संख्या यहाँ पे रख दें कि जीरो अगर माइनस करेंगे तो 1986 प्राप्त हो। तो ये जो 1986 है इस संख्या को जब हम यहाँ रखेंगे और जीरो माइनस करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, तो यहाँ पे 1986 लिखा जाएगा, 1986 अगर हम यहाँ रख करके जीरो माइनस करते हैं तो आपको वही संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पे जीरो और वन प्रॉपर्टी के बेस पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, यहाँ पे इस एक्सरसाइज में आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे जीरो और वन प्रॉपर्टी के बेस पे हैं अधिकतर क्वेश्चन, तो सेम ऐसे ही आप ये बाकी क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स एंड चेक योर आंसर। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स, ये संख्याएं जो दी गई हैं इनको कहा जा रहा है सब्ट्रैक्ट करिए और फिर जो है उसको चेक करके देखिए कि क्या आपका आंसर सही है या नहीं। इसको पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके बाद हम इसको चेक करके देखेंगे। सर पांच के लिए चलिए इसको हम सेपरेट करते हैं, इसके बाद फिर हम चेक करके देखेंगे कि आंसर हमारा करेक्ट आ रहा है या नहीं। देखिए इस संख्या को हम यहां पे लिखते हैं, संख्या दिया गया है 7986 फ्रॉम 8000। अब यहां पे फ्रॉम लगा है तो फ्रॉम मीन्स से, यानी ये जो संख्या दी गई है पहले 7986 इसको माइनस करना है, किससे माइनस करना है 8000 से, तो 8000 को हम ऊपर लिखेंगे और 7986 को नीचे लिखेंगे। मार्कर ही नहीं चल रहा, 8000 और यहाँ पे जो संख्या दी गई थी 7986 इसको हम माइनस कर लेंगे। माइनस करने के लिए बारो मेथड का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, ऊपर जीरो है और नीचे सिक्स है तो माइनस नहीं होगा, यहाँ से हम बारो लेंगे, यहाँ भी जीरो है, यहाँ आएंगे यहाँ भी जीरो है और यहाँ से हम बारो ले जाएंगे एट से, तो एट से वन जाएगा और यहाँ पे आएगा तो 10 हो जाएगा, यानी बोरो 1 लिया जाता है और जब वो जहाँ पे आपको आवश्यकता होती है वहाँ पे जब हम ले जाते हैं तो वहाँ 10 प्लस हो जाता है,
तो यहां पे हो जाएगा 10, 10 माइनस 6 कर देंगे, तो 10 माइनस 6 करेंगे 4। अब यहां पे देखिए ये बारो यहां से यहां गया था, 10 हुआ था, फिर यहां से यहां गया था तो यहां 9 हुआ, यहां 10 हो गया, फिर यहां से जब यहां गया तो यहां 9 बचा और यहां 10 हो गया। तो इस तरह से यहां पे 9 है, 9 माइनस 8 कर देंगे 1, यहां भी 9 है, 9 माइनस 9 कर देंगे 0। अब यहां पे यहां से एक बारो हम ले गए थे तो यहां पे बचा है कितना 7, तो 7 माइनस 7 कर देंगे, ये हो जाएगा 0। इस तरह से जो हम सब्ट्रैक्ट किए हैं वो आपको इतना प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब इसको कहा जा रहा है चेक करके देखिए कि आपका आंसर सही है या नहीं सही है। तो चेक करने के लिए जो सब्ट्रैक्ट होता है मीन्स ये जो संख्या होती है इसको और जो डिफरेंस जो आपको प्राप्त हुआ है इसको, यानी ये और ये संख्या को हम ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट और जो डिफरेंस प्राप्त हुआ है उसको हम ऐड कर देंगे। तो अगर 8000 हमको प्राप्त हो जाता है तो इसका मतलब हमारा जो ये सोल्यूशन है वो सही है। तो उसको हम ऐड करके देखते हैं, प्लस कर देंगे 14, 6 और 4 10, 8 और 1 9 और 1 कैरी 10, 9 और 1 कैरी 10, 7 और 1 कैरी 8। तो इस तरह से देखिए ये हमको 8000 प्राप्त हो गया, जो कि मान्यून कहा जाता है, मान्यून सब्ट्रैक्ट और डिफरेंस, ये तीन चीजें होती हैं, मान्यून सब्ट्रैक्ट और डिफरेंस। तो सब्ट्रैक्ट और डिफरेंस को जब हम ऐड कर देते हैं तो अगर मान्यून डेंस ऊपर वाली जो संख्या आपको दी गई है वो अगर प्राप्त हो जाती है इसका मतलब आपका सोल्यूशन सही है, करेक्ट है। तो इसको लिखने के लिए पहले आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे हम किए हैं, जब आप कॉपी में लिखेंगे तो यहीं पे लिखते हैं, ऐसे आप संख्याएं लिख लेंगे और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 14 आया था। और इसके बाद चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, इन संख्याओं को ऐड करेंगे, मीन्स ये संख्या जो है और ये जो आपका डिफरेंस आया है इसको यहाँ लिखेंगे 14, इनको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद 8000 प्राप्त हो जाएगा, जैसा कि अभी हम इसको सॉल्व किए थे तो 8000 प्राप्त हो रहा है। इस तरह से हम अपनी कॉपी में सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके बाद इसको हम वेरीफाई करके देख लेंगे कि हमारा आंसर सही है या नहीं। अगर यहाँ पे आपका जो मान्यून मीन्स ये जो संख्या इतना अगर नहीं प्राप्त होता है तो इसका मतलब आपका ये जो सोल्यूशन है ये कहीं ना कहीं रॉन्ग होगा। तो सेम ऐसे ही आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे क्वेश्चन ए डाल के, ऐसे ही करेंगे। इसी तरह से जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं आप ऐसे ही लिख करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके बाद इन संख्याओं को ऐड कर देंगे और आप देखेंगे जो यहाँ पे मान्यून मीन्स ऊपर की जो संख्या आपकी होगी अगर उतना प्राप्त हो रहा है ऐड करने पे तो इसका मतलब आपका सोल्यूशन सही होगा, अदरवाइज आपका रॉन्ग होगा। उसको आप फिर से करेंगे। एक चीज का यहाँ ध्यान देंगे आप, यहाँ फ्रॉम के बाद जो संख्या दी गई है हम उसको सब्ट्रैक्ट करते समय ऊपर लिखेंगे, फ्रॉम के बाद की जो संख्या है उसको सब्ट्रैक्ट करते समय ऊपर लिखेंगे, क्योंकि ये जो कहा जा रहा है 7986 इसको माइनस करना है। फ्रॉम मीन्स से होता है, मीन्स किस संख्या से माइनस करना है, तो वो संख्या यहाँ दी गई है, इसलिए ये फ्रॉम के बाद वाली संख्या आप हमेशा ऊपर लिखिएगा सब्ट्रैक्ट करते समय। अब यहाँ पे क्वेश्चन 4 देखिए, ट्रू आर फॉल्स, व्हेन 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2196 द डिफरेंस विल बी 0। अगर 0 सब्ट्रैक्ट किया जाता है 2196 से तो जो डिफरेंस होगा वो कह रहा है कि 0 हो जाएगा, मीन्स जो प्राप्त होगा आपको वो 0 हो जाएगा, तो ये फॉल्स है। किसी संख्या से अगर आप 0 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, ये जो है गलत है,
दूसरा व्हेन 9090 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9090 द डिफरेंस विल बी जीरो। अब इसमें देखिए 9090 दिया है, इसको कह रहा है सब्ट्रैक्ट किया जाता है 9090 से, यानी दोनों संख्याएं सेम है, तो इन संख्याओं का जब सब्ट्रैक्शन होगा तो वो जीरो होगा, तो यहाँ पे ये ट्रू। व्हेन मॉड्यूल एंड सब्ट्रैक्टेंड आर इक्वल डिफरेंस विल बी ऑलवेज बी जीरो। ये कह रहा है कि मॉड्यूल और सब्ट्रैक्टेंड अगर इक्वल होते हैं, अगर बराबर होते हैं, तो जो डिफरेंस होगा वो हमेशा जीरो होगा। तो मॉड्यूल क्या होता है, ये जो ऊपर की संख्या ये मॉड्यूल कहलाती है, जिसमें से आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, एंड सब्ट्रैक्टेंड और सब्ट्रैक्टेंड ये संख्या होती है जो सब्ट्रैक्ट होती है, जो माइनस होती है। तो वो कह रहा है कि अगर बराबर है, इक्वल है, तो जीरो आएगा आंसर, तो ये राइट है। व्हेन डिफरेंस इज एडेड टू मॉड्यूल सब्ट्रैक्टेंड इज ऑब्टेंड। व्हेन डिफरेंस, अगर डिफरेंस को कह रहा है ऐड किया जाता है टू मॉड्यूल मॉड्यूल से, तो सब्ट्रैक्ट इज ऑब्टेंड, तो ये जो है फॉल्स है। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। थैंक यू।